नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की एक अगेन सक्सेस स्टोरी है, कंट्री का नाम है लाटविया। लाटविया का जो स्टूडेंट वीज़ा, बच्चे का जो सेकंड वीज़ा आ चुका है, कौन से इनटेक का, जिन्होंने सितंबर अक्टूबर इनटेक में लाटविया में पढ़ने के लिए जाना है। ये बैचलर वाला स्टूडेंट है। ओवन हमारे नंबर ऑफ़ एप्लीकेशन एम्बेसीज के अंदर डली हुई हैं। कुछ बच्चों ने सबमिशंस के लिए जाना है जिनकी अपॉइंटमेंट ऑलरेडी ले ली हुई है, कुछ बच्चों की स्टिल हमने अपॉइंटमेंट लेनी है क्योंकि उनका OCME इनविटेशन अभी तक हमारे पास नहीं आया। जब इनविटेशन नंबर हमारे पास आ जाएगा उनकी भी उठाई जाएंगी, और कुछ बच्चों के केसेस डेफर भी होंगे जैन इनटेक में। उसमें कुछ रीजंस हो सकते हैं कि उनका PCC में प्रॉब्लम हो सकती है, जहाँ उनका स्टिल अभी तक जो इनविटेशंस नहीं आए हैं वो हो सकती है, या यूनिवर्सिटीज़ की रिफ़ंड पॉलिसीज हो सकती हैं, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज़ आर सेइंग कि अगर आप इस डेट तक हमारे पास पहुंच जाते हैं तो डिसीज़न इस डेट से पहले आ जाता है तो देन देर इज़ ए फुल रिफंड, इसके बाद आता है तो देन दे विल डिडक्ट ए सम अमाउंट। तो हर एक चीज़ के प्रिकॉशंस लेने के बाद बच्चे पेरेंट्स के साथ हम शेयर करते हैं। तो हमारे पास नंबर ऑफ़ कंट्रीज़ के ऑप्शंस हैं जब बच्चा हमारे पास आता है, और इवन वी हैव ए नंबर ऑफ़ वीडियोस 100 कंट्रीज़ की, उनकी हर की प्लेलिस्ट बनाई हुई है। ऐसे ही लाटविया की भी हमारी एक प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट का भी लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया है। वहाँ जाकर हमारी नंबर ऑफ लाटविया से रिलेटेड सक्सेस स्टोरीज़ हैं, एडमिशन प्रोसीजर्स हैं, हर एक चीज़ के बारे में वहाँ जाकर आप वॉच कर सकते हैं। इवन लाटविया के अंदर हमारे पास कुछ यूनिवर्सिटीज़ में आपको एरास्मस प्रोग्राम्स भी मिल सकते हैं कि आप ड्यूल डिग्री भी ले सकते हैं। कुछ प्रोग्राम आप लाटविया में करेंगे, कुछ आप अनदर कंट्रीज़ में कर सकते हैं। कोई कौन सी कंट्री हो सकती है, बेल्जियम जैसी कंट्री हो सकती है, फ्रांस जैसी कंट्री हो सकती है, जर्मनी जैसी कंट्री हो सकती है, ऐसे भी प्रोग्राम्स की अवेलेबिलिटी आपको क्राउन इमिग्रेशन के थ्रू मिल सकती है। बट अगेन डिपेंड आपकी प्रोफाइल कैसी है, आप नंबर ऑफ़ टाइम शेंगन से रिफ्यूज्ड हैं एज ए स्टूडेंट वीज़ा। आपकी प्रोफाइल देखने के बाद मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूं कि आपका केस हमें लाटविया में डालना चाहिए या नीदरलैंड में डालना चाहिए, या फिनलैंड में, या स्वीडन में, या जर्मनी में, व्हाट्सएवर। आपकी प्रोफाइल देखने के बाद आपके अप्रोप्रिएट परसेंटेज, कौन सा शेंगन एक दूसरे के साथ डाटा शेयर करता है, ये सारी चीज़ें एनालाइज करते हैं। उसके बाद वी आर सजेस्टिंग टू द स्टूडेंट्स, इवन वी आर वेरी टेक्निकल अबाउट द फंड मैनेजमेंट्स। और इवन लाटविया में बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे जो कंसल्टेंट हैं, बच्चों को मिस गाइड करके ही आप FTS के थ्रू डालें, आप फीस के अलावा जो फीस बच्चे ने 3000 या 3500 यूरो भेजी है, इसके अलावा जो 7500 यूरो है जो आपके मेंटेनेंस लिविंग एक्सपेंसेस जो पेरेंट्स जब बच्चे के अकाउंट में यहाँ पर दिखाए जाते हैं उसको आप वहाँ पर भेजें और साथ में फ़ीस भेजें यूनिवर्सिटी के अकाउंट में, तो आपका 100% वीज़ा आएगा। ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है। जितने भी बच्चों के अभी तक हमारे वीज़े आए हैं, ये सेकंड बच्चा है, इनके भी फंड्स इंडियन अकाउंट में थे, उनको देखने के बाद ही बच्चों को वीज़ा ग्रांट हुए हैं। ये जिन बच्चों के दोनों के अभी कुछ बच्चों के चल भी रहे हैं, ऐसे मोटिवेशन से भी बचना है कि आप FTS में वीज़ा सक्सेस रेट ज़्यादा है, अगर फंड यहाँ शो करते हैं तो ऐसा नहीं है, क्योंकि वो आपको एक लाइव एग्जांपल है। मोटिवेशन से जो लोग देते हैं कि हम आपका लाटविया का 100% करवाएंगे, वहाँ पर भी अवॉइड करना है। पैकेजेस में आपको लाटविया का बेच रहे हैं कि आपकी सारी फ़ीस वीज़ा के बाद, अब उसको भी अवॉइड करना है। उसके पीछे भी बहुत सारे रीजंस हैं, रिफ्यूज़ल्स भी देखने को मिलती हैं बच्चों को, बच्चे ट्रैप में आके लाखों रुपया खर्च देते हैं। इवन बहुत सारे कंसल्टेंट लाटविया के वीज़ा अप्लाई करने के नाम पर लाखों रुपये एडवांस में ले लेते हैं कि अभी आपने हमसे रजिस्ट्रेशन करवाई है तो आप अभी हमें 50,000 रुपया दे दीजिए, अभी आपका एडमिशन आया है तो फिर 20,000 रुपया दे दीजिए, अभी मैंने आपकी वीज़ा फाइल अप्लाई कर दी तो फिर हमारा 20-50 हज़ार रुपये दे दिए, मतलब 1,00,000 विद GST ले लेते हैं एडवांस में, और बाद में रिज़ल्ट नेगेटिव है या पॉजिटिव है वो उसके बाद है। लेकिन हमारे पास ऐसा नहीं है, 15,000 रुपये में, 15,000 में वी विल प्रोसेस योर कंप्लीट फाइल ऑफ लाटविया। अनदर जो हमारे सर्विस चार्जेस हैं वो कब है, जब बच्चे का वीज़ा ग्रांट होकर आएगा, दैट टाइम जो भी फीस हमने सेटल्ड की होती है वो हम उस टाइम लेते हैं। और इस 15,000 में आपका एडमिशंस के बाद फंड्स में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, वी विल असेस यू। आपने पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट में कोई असिस्टेंस चाहिए, वी विल हेल्प यू। आपने अपनी हेलो वेरीफाई किस तरीके से करनी है, आपकी इंटरव्यू प्रिपरेशन आइदर फॉर द यूनिवर्सिटीज़ के साथ हैं या एम्बेसीज के साथ है, AIC डिसीजंस में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही हैं, ये सारी की सारी टेक्निकल चीज़ें, और आपकी फाइल प्रिपरेशन किस वे से करवानी है,
आपकी वीज़ा अपॉइंटमेंट किस वजह से लेकर देनी है, आप ये बताइए कि सारी सर्विस आपको 15,000 में एडवांस में मिलेंगी जब आप हमें 15,000 रुपये दे देते हैं, और इतनी सर्विस के बाद हमारी जो फीस है बाकी जब वीज़ा आएगा, और इवन इसी सर्विस में जो 15,000 में हम आपका जो केस है अनदर कंट्री में भी अप्लाई करते हैं कि आप इस कंट्री का भी ऑप्शन लेकर चले, बट अगेन डिसीज़न आपका है कि आपने अपना जो केस किस कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई करना है। अभी आप लाटविया में पहुंच चुके हैं, पहुंचने के बाद अभी आप फ्री स्टडी देख रहे हैं जर्मनी में, वो कैसे हो सकती है, आप इटली में देख रहे हैं फ्री स्टडी क्योंकि बच्चों के ड्रीम फुलफिल नहीं हो पाते जो इंडिया में हैं, नंबर ऑफ़ रिजेक्शंस देखने को मिलती है फ्री स्टडी के नाम पे इटली की, और लाखों रुपए बच्चे ख़राब कर देते हैं, वो भी ड्रीम क्राउन इमिग्रेशन आपकी फुलफिल कर सकती है अगर आपके पास पेशेंस हैं। आप 6 मंथ के बाद लाटविया से किसी अनदर कंट्री में एज ए स्टूडेंट माइग्रेट होना चाहते हैं और आपकी प्रीवियस स्टडी जो आपने एक सेमेस्टर किया है उसका भी क्रेडिट चाहते हैं, तो वो ऑप्शंस भी आपको मिल सकते हैं। इवन वहाँ से आप फिनलैंड कैसे जा सकते हैं, फ्री स्टडी आप लाटविया से कैसे ले सकते हैं, ये सारे के सारे ऑप्शंस अंडर वन अम्ब्रेला है। तो क्या आपका कंसल्टेंट ये चीज़ें प्रोवाइड करेगा? जाने के बाद आपके पेरेंट्स ने लाटविया में जाना है वी विल असिस्ट, आपके सिबलिंग्स ने लाटविया में जाना है वी विल असिस्ट, ऐसी ऐसी सर्विसेज अभी आप देखें किसके पास ऐसा नॉलेज है और कौन ऐसी ये सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। इवन आप पार्ट में सर्विस चाहते हैं, पार्ट मीन्स कि आपने एडमिशन अपने लेवल पर लिया है, आप चाहते हैं कि मैंने अभी फाइल प्रिपरेशंस लेनी है लाटविया की, वी कैन असिस्ट, आप कहते हैं कि मैंने हेलो वेरीफाई का पार्ट लेना है, दैट वी कैन पार्ट में दे सकते हैं, आप चाहते हैं कि मैंने सिर्फ एडमिशन की ही सर्विस लेनी है क्राउन इमिग्रेशन के थ्रू, वो भी पार्ट में मिल सकती है, उसके जो जेन्युइन सर्विस चार्जेस होंगे वी विल टेक फ्रॉम द क्लाइंट, ऐसी पार्ट में भी सर्विस ले सकते हैं, अगेन डिपेंड। तो फंड मैनेजमेंट में मैंने फिर बता दिया वी आर डीलिंग विद 100 कंट्रीज, शेंगन की 30 कंट्रीज, जो भी 27 कंट्रीज दैट इज़ ऑन अवर जो शेंगन की है अवर फिंगर्स, वी नो कि कहां पर फंड किस वे से दिखाने हैं। तो ये देखिए जो लड़की का जो वीज़ा है इसकी प्रोफाइल के बारे में भी डिस्कस करेंगे, 12th की हुई है, ह्यूमैनिटीज़ के साथ 80% मार्क्स हैं और IELTS जो बच्चे का है सिर्फ 5.5 है, तो उसका वीज़ा आया है, स्टडी में भी 3 साल का गैप है, और सारी की सारी ये बच्चे की प्रोफाइल थी। जो अनदर हमारी सक्सेस स्टोरीज आने वाली हैं अगर उनको भी देखना है किसी भी कंट्री की, तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें क्योंकि इस टाइप की सक्सेस स्टोरी लास्ट हम अपने सोशल मीडिया पर डालते रहते हैं। तो लास्ट मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।